इस मूवी की शुरुआत 10 साल पहले से होती है, जहां पैसे से भरी एक तिजोरी है जो हर्नान रेस की है। वहीं पर हर्नान रेस अपने बेटे दंते रेस से बताता है कि किस तरह टोरेटो ने उसके पैसों से भरी तिजोरी को चुरा लिया था। अब ये दोनों टोरेटो को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि इस पुलिस स्टेशन में ही पैसों से भरी तिजोरी रखी हुई है। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ गाड़ियों के साथ टोरेटो और ब्रायन आ जाते हैं और रेस के पैसों से भरी तिजोरी को दोनों अपनी कार से बांधकर वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। अब रियो डी जेनेरियो की पुलिस और दांते रेस पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद ब्रायन और टोरेटो सिटी के अंदर से तिजोरी लेकर सिटी के बाहर निकल जाते हैं। अब दोनों को रेस और पुलिस ने घेर लिया था, जिस पर टोरेटो ब्रायन की कार की रस्सी तिजोरी से काट देता है और वापस रेस की तरफ अपनी कार को मोड़ लेता है। टोरेटो अपनी कार का नॉस ऑन कर रेस की तरफ स्पीड से बढ़ने लगता है और जैसे ही वो पास पहुंचता है टोरेटो ब्रेक मार देता है और वो तिजोरी सीधे दांते रेस की कार के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है और टोरेटो की कार सीधे हर्नान रेस की गाड़ी पर जा गिरती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब मूवी आगे बढ़ती है और प्रेजेंट डे में लॉस एंजलिस को दिखाया जाता है और कार से टोरेटो बाहर निकलता है और वो अपने बेटे ब्रायन से बात करता है। अब पता चलता है कि वो गाड़ी उसका लड़का ब्रायन चला रहा था, जिससे टोरेटो कार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। अब हमें मालूम है कि फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की किसी भी मूवी की शुरुआत बिना फैमिली से नहीं होती, तो अब वो दोनों अपनी फैमिली के पास आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी टीम और उसकी फैमिली सभी इकट्ठा होते हैं। अब लुडाक्रिस रोमन और रैमसे से बताता है कि एजेंसी से पता चला है कि मिलिट्री का हाईटेक कंप्यूटर हार्डवेयर रोम शहर से बाहर जाने वाला है, जिसे हमें चुराना होगा। अब हान लियो और टोरेटो आपस में बात करते हुए अपने पुराने दिन याद करते हैं। तभी टोरेटो कहता है कि रोमन चाहता है कि वो टीम लीड करे, जिस पर दोनों सहमत हो जाते हैं। अब टोरेटो ब्रायन और अपनी फ़ोटो को देखकर उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। तभी कुछ देर बाद उसकी ग्रैंड माँ आती हैं और कहती हैं कि तुमने अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाला है। अब रात में टोरेटो अपने घर की खिड़की से बाहर देखता है और उसे लगता है कि बाहर कोई है। तभी कुछ देर बाद एक सफ़ेद कार से एक महिला निकलती है, जिसके हाथ में खून लगा है, और उसके बाद वो टोरेटो के घर की बेल बजाती है। अब हमें उस महिला को दिखाया जाता है जिसका नाम सिफर है। ये वही महिला है जो इससे पहले की मूवी में विलन थी और इसी ने टोरेटो के बेटे ब्रायन और उसकी पहली पत्नी को किडनैप किया था और बाद में उसकी पत्नी को मार देती है। इसलिए टोरेटो उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी सिफर कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तब वो बताती है कि मेरे पास एक रेस नाम का व्यक्ति आया था, जिसने मेरे सभी गार्ड्स को उनकी कमजोरियों के कारण अपने साथ मिला लिया है। इससे पता चलता है कि वो कितना खतरनाक है और चालाक है, जिसके बाद वो कंप्यूटर से चिप निकालकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सिफर पर सभी गार्ड्स अटैक कर देते हैं, जिस कारण वो घायल हो जाती है। कुछ देर बाद वहां एम्स आता है और टोरेटो से पूछता है कि सभी लोग कहाँ हैं, जिस पर टोरेटो कहता है कि सभी लोग ठीक हैं। डिलेटी कहती है कि बाकी सभी लोग तुम्हारे मिशन पर हैं जो रोम में, जिस पर एम्स कहता है कि हमारा कोई भी मिशन रोम में नहीं है, जिसे सुन सभी समझ जाते हैं कि एक बिछाया हुआ जाल था। अब ये तीनों अपनी टीम को ढूंढने के लिए रोम निकल जाते हैं। अब हमें रोम में दिखाया जाता है कि ये सभी मिशन पर हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम कि यहाँ इनके लिए जाल बिछाया हुआ है और इनकी जान को खतरा है। अब हमें कुछ स्पोर्ट कार्स को दिखाया जाता है। टोरेटो और लेटी भी सभी को ढूंढ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये सभी उस ट्रक को ढूंढ लेते हैं, जिसमें इन लोगों को बताया गया है कि ट्रक में ही वो मिलिट्री हार्डवेयर चिप है। अब लुडाक्रिस और रैमसे ट्रक के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन ये लोग ट्रक को ड्राइव नहीं कर पाते क्योंकि उस ट्रक को रेस रिमोट कंट्रोल से ड्राइव कर रहा होता है, जो वहीं से कंट्रोल करता है। कुछ देर बाद रेस उन सबको डराने के लिए पहली कार को ब्लास्ट कर देता है। कुछ सेकंड्स के बाद दूसरी कार को भी ब्लास्ट कर देता है और उस ट्रक में रखे बड़े से बम को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो सभी डर जाते हैं। और लुडाक्रिस बताता है कि अगर ये बम फटा तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा, जिसके बाद वहाँ पर टोरेटो और लेटी भी आ जाते हैं। अब वो उस ट्रक को शहर से बाहर ले जाने लगते हैं ताकि ये शहर तबाह ना हो जाए, जिसके कुछ देर बाद रेस उस ट्रक को रोक कर पलटा देता है, जिसकी वजह से वो बम ट्रक से बाहर निकल जाता है और पूरे शहर में वो बम तबाही मचाने लगता है।
जिसे रोकने के लिए टोरेटो अपनी कार उस बॉम्ब के सामने ले आता है और वो बॉम्ब रुक जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो बॉम्ब आग के गोले में बदल जाता है और पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। अब लेटी को दिखाया जाता है कि लेटी रेस का पीछा करती है, लेकिन रेस उसके हाथ नहीं आता और वो भाग जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टोरेटो अपनी कार से क्रेन को टक्कर मारता है और बॉम्ब क्रेन से टकराने के बाद डाइवर्ट होकर सीधा नदी में जा गिरता है। बॉम्ब नदी में ही फट जाता है। के बाद लेटी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इन सभी को मीडिया द्वारा आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। हमें अब एजेंसी का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ एंट्री होती है टेस की, जो यहाँ के पहले हेड की बेटी है, जो रोम में हुआ उस सच का पता लगाना चाहती है। पर यहाँ का हेड लिटिल नोबडी इन सभी की जन्म कुंडली खंगाल कर उनके खिलाफ यूज करने वाला है, जिस पर टेस कहती है कि इन्होंने जो भी किया एजेंसी के लिए किया, अब सच का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। अब एजेंसी के हेडक्वार्टर में उन सभी को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। अब टोरेटो के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एजेंसी के लोग अटैक कर देते हैं और वहीं पर जैकब टोरेटो, डोमिनिक टोरेटो का भाई आ जाता है, जो सभी को मारकर ब्रायन को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब टेस को दिखाया जाता है जो एक बार में गई है, जहाँ उसे टोरेटो मिल जाता है और वहाँ बताती है कि एजेंसी तुम लोगों के पीछे है, जिस पर टोरेटो टेस्ट से प्लेटी को बाहर लाने के लिए कहता है। अब हमें सभी टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो एक कंटेनर में रोम से निकलकर लंदन पहुँच जाते हैं। दूसरे सीन में टेस्ट को दिखाया जाता है कि एजेंसी की ब्लैक साइट में जाती है, जहाँ प्लेटी है, जहाँ टेस्ट उसे बाहर निकालने के लिए बोलती है कि समय आने पर उसे बाहर निकालने की। अगले सीन में हमें टोरेटो को दिखाया जाता है जो रेस स्टेट पर पहुंचता है, जहां सभी उसका जोरदार स्वागत करते हैं। कुछ देर बाद रेस शुरू हो जाती है, लेकिन रेस ने डिएगो और इजाबेल की गाड़ियों में पहले से ही बॉम्ब लगा दिया था, जिस पर रेस टोरेटो से रेस के बीच में कहता है कि तुम इन दोनों में से किसको चुनोगे, जिसमें से टोरेटो इजाबेल को चुन लेता है और रेस डिएगो की गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से डिएगो मर जाता है। रेस इजाबेल की गाड़ी को भी ब्लास्ट कर देता है, लेकिन टोरेटो उसे बचा लेता है, जिसके बाद रेस वहां से चला जाता है। अब हमें रेस को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों की लाशों से बात कर रहा होता है। इसके बाद हमें सभी टीम मेंबर्स दिखते हैं, जो बताते हैं कि उनके सारे पैसों को रेस ने हैक कर लिया है और उनके सारे पैसे चुरा लिए हैं। अब हम देखते हैं कि एजेंसी ने जैकब और ब्रायन को ढूंढ लिया है। अब हमें एक लैब में सिफर और लेटी को दिखाया जाता है। सिफर लैब को हैक करके सबको बेहोश कर देती है। उसके बाद वहाँ से वो दोनों भागने के लिए जाते हैं, लेकिन लेटी सिफर पर अटैक कर देती है और लड़ते लड़ते दोनों बेहोश हो जाती हैं। दूसरे सीन में जैकब और ब्रायन को दिखाया जाता है जो प्लेन में जा रहे होते हैं, लेकिन उनको एजेंसी ने ढूंढ लिया है, जिसके बाद एजेंसी के किलर्स उन दोनों को पकड़ने जाते हैं, लेकिन जैकब सबको मार देता है और प्लेन से अपने बनाए हैंडमेड जेट से जंप कर दोनों बाहर आ जाते हैं। अब हमें टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है, जहां हान डिकर्ड से मिलता है और डिकर्ड हान पर अटैक कर देता है। तभी वहां पर एजेंसी के किलर्स आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर उन सबको मार देते हैं। अब हमें टोरेटो को दिखाया जाता है जो एक कमरे में जाता है, जो रेस का अड्डा होता है। एजेंसी वाले टोरेटो को ढूंढ लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम लेटी को देखते हैं जो कूस में आने के बाद लैब से बाहर आती है, जिसके बाद वो अपने आप को अंटार्कटिका में पाती है। ये देखने के बाद वो नीचे आ जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि रैम से कंप्यूटर पर देखती है कि उसके पैसों से ही रेस ने आर्मी खड़ी कर कर उनको मारने की तैयारी कर रखी है। अब हम टोरेटो को देखते हैं जो एजेंसी के हेड लिटिल नोबडी से कहता है कि सभी लोग सेफ्टी बेल्ट पहन लो। तभी हम देखते हैं कि उसकी वैन पर मिसाइल से अटैक होता है। उसके बाद वहाँ रेस आ जाता है जो उन पर अटैक कर देता है और टोरेटो से कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर हम पहली बार मिले थे, और तभी वहाँ टेस आ जाती है और रेस के प्लान को फेल कर देती है। ये देख टोरेटो रेस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ रेस के किलर आ जाते हैं और हेलीकॉप्टर से उन सभी पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद रेस टेस्ट से डिवाइस लेकर चला जाता है, जिससे वो ब्रायन को ढूंढ सकता है। दूसरे सीन में हमें जैकब को दिखाया जाता है जो ब्रायन को एक आइलैंड पर लेकर जाता है, जिसे उसने अपना अड्डा बना रखा है।
जहां रेस के अटारे अटैक कर देते हैं, जिसके बाद जैकब ब्रायन को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन वो सभी उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके बाद रेस भी उनके पीछे आ जाता है। अब हमें टोरेटो को दिखाया जाता है जो प्लेन से अपनी कार में वहाँ लैंड कर जाता है और वो सभी टनल के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद रेयस ब्रायन को किडनैप कर लेता है और उसे वहाँ से लेकर भागने लगता है। लेकिन जैकब अपने कार को क्रैश कर उसके किलर्स को मार देता है। टोरेटो की कार को दोनों हेलीकॉप्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में घींचने लगते हैं, लेकिन टोरेटो उन हेलीकॉप्टर्स को क्रैश कर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद रेयस की कार टोरेटो की कार से टकराकर दूसरी तरफ चली जाती है। अब हम देखते हैं कि रेयस टोरेटो की कार को दोनों तरफ से घेर लेता है और वहाँ पर टोरेटो की टीम थोड़ी देर बाद प्लेन से आ जाती है। लेकिन एजेंसी का एयर लिटिल नोबडी उस प्लेन पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर देता है और वो प्लेन क्रैश हो जाता है। दरअसल लिटिल नोबडी और दांते रेयस दोनों मिलकर काम कर रहे थे, जो इन लोगों को नहीं मालूम था। इसके बाद टोरेटो अपनी कार को डैम के नीचे जंप करा देता है, जो सीधे पानी के अंदर चली जाती है और वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन रेयस ने डैम के चारों तरफ बॉम्ब फिट कर रखे थे और वो सारे बॉम्ब एक्टिवेट थे। उसके बाद हमें लेटी और सिफर को दिखाया जाता है, जिन्हें लेने के लिए सबमरीन आती है और उसमें हमें गिजेरे दिखती है, जिससे पता चलता है कि वो भी टीम में वापस आ गई है। मूवी यहीं एंड हो जाती है, लेकिन ये इस मूवी की पहली किस्त है। इसके आगे की कहानी अभी बाकी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी।